बात राजस्थान के टोंक की करेंगे, वहां पर बवाल की खबर है। थोड़ी देर पहले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद नरेश मीणा के समर्थकों द्वारा आगजनी की जा रही है। कल भी नरेश मीणा के समर्थकों ने भारी उपद्रव किया था। पुलिस के अलावा आम लोगों की गाड़ियां भी फूंक दी गई थी, आग के हवाले कर दी गई थी। देवली और नियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने कल एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था। कल पुलिस ने जब नरेश मीणा को हिरासत में लिया तो समर्थकों ने बवाल किया। आज थोड़ी देर पहले पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार किया है और उनके समर्थकों के बवाल की तस्वीरें सामने आ रही। शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, इतने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भी इतना बवाल हो गया कि कैसे संभव हो सका? पुलिस तो तैयार थी कि किस तरह से समर्थकों को रोक लेगी गिरफ्तारी के बाद। देयर इज हैवी प्रेजेंस ऑफ पुलिस, के गोले छोड़े जा रहे हैं लगातार, जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक्टर का जो वो हल होता है उसे रोड जाम किया गया था, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लाठी चार्ज करके भगाया गया है। पुलिस यहाँ पर आकर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की रही है। ये देखिए दृश्य, देखिए किस तरह से यहाँ पर इस हल को यहाँ से हटाया जा रहा है और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ तक, जितना दूर तक आगे देखेंगे, ये आगे गांव के आगे का इलाका था। जैसे ही नरेश मीणा को लेकर पुलिस आगे की तरफ गई, गांव के पीछे के इलाके में आगजनी शुरू हो गई और तीन चार जगह आप देखेंगे दूर तक वो धुआं जो है आपको नजर आएगा दूर दूर तक, और इस तरह से कई जगह आगजनी हुई है और उस आगजनी की वजह से इस तरह के यहाँ पर हालात बने हुए। ये देखिए ये पुलिस बल जो है सारे रोड को क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं ट्रैक्टर से, और ये इसे लाकर जाम कर दिया था यहाँ पर। ट्रैक्टर तो लेकर चले गए हैं लेकिन ये मशीनरी को यहाँ से हटाया जा रहा है। ये एक तरह से टोंक रोड पर भी एक खास जगह है जहाँ पर एक खबर आ रही है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। एक पुलिसकर्मी जो कल रात को घायल हुआ था वो बेहद ज्यादा गंभीर हो गया है, जिसके बाद उसे लेकर चला गया, लेकर जाया गया है जयपुर में, गंभीर हालात है। तो राजस्थान में एक तरह से कहें तो जो आसपास के इलाके हैं, खास करके मियां जात के गांव के इलाकों में, वहां पर थोड़ा सा उपद्रव जैसा माहौल है। मगर कहा जा रहा है कि पांच कंपनियां पुलिस की बुलाई गई है और पांचों कंपनियों के जरिए जो इलाका है, इस पूरे इलाके में किस तरह लोगों को सड़क पाने से रोका जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। फिलहाल नरेश मीणा को सीधे टोंक लेकर जाया गया है, जहां पर टोंक में वो पुलिस हिरासत में है और गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। मगर ये स्थिति जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस का एक मैदान यहाँ पर पूरे इस हाईवे पर बना हुआ है और प्रदर्शनकारी दूर आपको नजर आएंगे, देखिए वहां पर वो भाग कर खड़े हैं, उनमें से कुछ लोग नजर आ रहे हैं क्योंकि पुलिस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी ये पीछे की तरफ जा रहे थे। खेतों में भी पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और ये रोड को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा कि किसी तरह से यहाँ पर रोड को साफ किया जाए। ये देखें ये दृश्य, रोड को साफ करने का दृश्य है पुलिस के जरिए खाली कराया जाए। जैसे ही गिरफ्तारी की सूचना मिली, जिन इलाकों में पुलिसकर्मी तैनात नहीं थे उन इलाकों में वो आ गए और उपद्रव करने लगे। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पर हालात बिगड़े थे। मगर अब एसपी विकास वांगमान का कहना है कि इस रोड पर तीन चार जगह जहाँ पर जाम हुआ था वहां पर खुलवा लिया गया है। एक खास जगह पर हर सड़क की सूचना मिली है उसे भी खाली करा लिया गया है। आसपास के इलाकों में खेतों में लोग आपको नजर आ जाएंगे, मगर ये स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, जहाँ पर टकराव कहा जा सकता है। ये देखिए जो ग्रामीण इलाके से लोग आ रहे हैं उन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रही है पुलिस, जो सड़क पर आ रहे हैं तमाशावीरों की भीड़ आपको हर जगह नजर आ जाएगी। ग्रामीण इलाकों में, खेतों में, दूर दूर तक आपको छतों पे लोग नजारा आप देखेंगे, दूर दूर तक लोग नजर आ रहे हैं और दूर से सब देख रहे हैं इस नजारे को कि किस तरह से यहाँ पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है जिस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, हालांकि विकास सांगवान का कहना है कि छोटे छोटे झड़पें हो रही हैं मगर फिर भी स्थिति कंट्रोल में है और कहीं पर ऐसी घटना नहीं है जिसमें कोई
जान का नुकसान हुआ है, माल का भी नुकसान नहीं हुआ है। छोटे छोटे झड़पों को हम काबू करने की कोशिश की जा रहे हैं। ये वज्र वाहन है जहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। पुलिस की फोर्स पूरे इलाके में जहां तक मेरा समुदाय का इलाका है वहां तक लगा दिया गया है ताकि किसी तरह से कोई अनटुवार्ड इंसिडेंट नहीं हो। ग्रामीणों को सड़क पर आने से रोका जा रहा है। आसपास के इलाकों में एम्बुलेंस भी बुला ली गई है कि अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो उसे उस पर काबू पाया जा सके। ये देखिए फिर से उतर आए हैं, ये देखिए फिर से उतर, आगे आगे पुलिस आ रही है और पीछे पीछे जनता, पीछे पीछे फिर लोग सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। आप दृश्य में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग वापस से सड़कों पर उतर आए हैं। ये माहौल, ये नजारा है। आप वहीं से पुलिस आगे की तरफ बढ़ी थी और एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये सड़क की स्थिति है जहाँ पर देखा जा सकता है किस तरह का माहौल है। ये सब नरेश मीणा के समर्थक हैं जो वहाँ पर पत्थर फेंक रहे हैं। पत्थरबाजी हो रही है, वहां से चलते हुए पत्थर आप देख सकते हैं। यहाँ पर गांव के लोग हैं, लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये माहौल जो है दिखा रहा है आपको कि किस तरह का माहौल राजस्थान की सड़कों पर नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद बना हुआ है। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है हर इलाके में जाके। अब देखिए वापस से जो वज्र वाहन थे उन्हें वापस इस तरफ लाया जा रहा है और पुलिस की फोर्स वापस इस तरफ मूव कर रही है, जिस तरफ लोग खड़े हैं। यानी पुलिस आगे आगे जा रही है और पीछे पीछे जो है वो प्रदर्शनकारी आए जा रहे हैं। ये स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पर बनी हुई है। सड़क पर जो पत्थर पड़े वो स्थिति किस तरह से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। अब पुलिस की फोर्स आगे की तरफ जा रही है, पुलिस की फोर्स वापस आगे की तरफ जा रही है उन्हें हटाने के लिए। वज्र वाहन आगे जा रहा है। ये देखिए वज्र वाहन आगे आगे जा रहा है और पुलिस की फोर्स आगे की तरफ जा रही है। ये स्थिति है यहाँ पर और ये जैसे जैसे आएंगे हम चाहेंगे कि आगे की तरफ। ये देखिए प्रदर्शनकारी जो है वो भागते जा रहा, जैसे ही जा रही है प्रदर्शनकारी वहां से भाग निकल रहे हैं। ये माहौल बना हुआ है यहाँ सड़क पर कि आसपास के गांव के इलाके से खेतों से बाहर निकल के आते हैं और जैसे ही पुलिस आती है ये भाग जाते हैं। ये आसपास के ये समरावता का इलाका है। समरावता के इलाके में पुलिस फोर्स को दिखाना चाहेंगे कि दौड़ती हुई पुलिस फोर्स इस तरह से आ रही है यहाँ पर लोगों को पकड़ने के लिए और ये सारे लोग भाग जा रहे हैं यहाँ से। अब वापस इसी तरह से खेत जोतने वाला जो हल होता है ट्रैक्टर में लगता है ये कि यहाँ पर भी लाकर इन्होंने रख दिया है। ये देखिए चेयरमैन मनीष से कहूंगा कि वो दौड़ के हटाएं। अब ये जो वज्र वाहन से ये छोड़ा जाएगा। ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं इसलिए कि प्रदर्शनकारी यहाँ पर खेत में प्रदर्शनकारी जो है उन्हें भगाने के लिए छोड़ा जा रहा है ये आंसू गैस के गोले। अब देखिए ये इधर भी खड़े हैं, इधर की तरफ भी आंसू गैस के गोला छोड़ा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि इन्हें तितर बितर किया जाए। ये खेतों में है और यहाँ पर छतों पे, घरों पे, खेतों में यहाँ पर ये आए हुए हैं और यहाँ से आकर सड़क पर आते हैं। जैसे पुलिस आती है वापस भाग जाते हैं। अब ठीक उसी तरह से अपने खेत जोतने वाले ट्रैक्टर में लगने वाले हल से इन्होंने जाम कर रखा है। अब गांव के इलाके में घुसने की कोशिश कर रही है। पुलिस कहती है कि अब गांव की ग्रामीण इलाकों में घुसकर इन्हें पकड़ा जाए। ये देखिए गांव के इलाके में पुलिस जा रही है। कैमरा मनीष से कहूंगा कि पुलिस के लोग ये दौड़ते हुए गांव में प्रवेश कर रहे हैं। जो गांव के लोग बार बार सड़क पे आ जा रहे हैं उन्हें पकड़ने के लिए। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। टकराव वाली ग्रामीण जो है आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे पुलिस वाले हैं जो गांव वालों को भगा रहे हैं। खेतों में देखिए किस तरह से पुलिस के लोग जो है
खेतों में जो लोग हैं ये स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर खेतों में लोग भाग रहे हैं और पुलिस पकड़ने की कोशिश की रही है, इसलिए ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पुलिस जो है खेतों में दौड़ दौड़ के भगा रही है, कोशिश कर रही है कि इन्हें सड़क पर नहीं आने दिया जाए। और वापस पुलिस इसमें भगाने के बाद लौट रही है खेतों से। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सड़क पर आते हैं और फिर जैसे ही प्रदर्शन होता है एक बार फिर गांव में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर पुलिस वाले चाह रहे हैं कि किसी तरह से गांव के लोगों को डिस्पर्स किया जाए, गांव के लोगों को यहां से भगाया जाए ताकि यहां नहीं आए। इस पूरे इलाके में बहुत सारे पुलिस फोर्स को बुला लिया गया है और हर जगह इनकी तैनाती इस इलाके में देखी जा रही है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। और जैसे जैसे यहाँ पर ये दृश्य नजर आ रहा है, आप देखेंगे जाकर हाईवे पर आपको दिखाएंगे कि ट्रैक्टर से लेकर अपने फल को आ रहे हैं वो सड़क पर और वहां पर जाम कर दे रहे हैं, और उसके बाद ये ग्रामीण इलाका है, सड़क के किनारे गांव है, गांव की तरफ भाग जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। जी शरद, जिस तरीके की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, जाहिर तौर पर यह स्थिति और ज्यादा बिगड़ भी सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में नरेश मीणा के वहां पर समर्थक हैं जो हो सकता है अभी फिलहाल एक्टिव ना हो, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएं और ज्यादा संख्या बल में वहां पर पहुंच जाएं, ताकि पुलिस प्रशासन पर भी इसका दबाव देखा जा सके। बिल्कुल, मैं आपको एक दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए किस तरह से ये हाईवे को जाम किया है। सोने वाली जो चौकी की तरह होता है उसको लेकर आ गए हैं, ये जो खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर में हल लगाया जाता है इसको लेकर आ गए हैं, कटीली झाड़ियों को काट के और यहाँ से वहां तक किस तरह से रोड को इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, और यहाँ से इन पत्थरों को तोड़ तोड़ के और यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे थे। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, तो समझा जा सकता है कि क्या माहौल है। और अब जो है ये इस तरह से घर वालों के खोजबीन में भी बहुत सारे पुलिसकर्मी निकल रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से यहाँ पर आए नहीं। ये देखिए ये जो कटीली झाड़ियां हैं उसे पुलिस वाले हटा रहे हैं और रोड को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं ये, मगर कहा जा रहा है कि हमारी बात हुई है आईजी से, आईजी कह रहे हैं कि हम पुलिस फोर्स को लेकर आ रहे हैं और उसके बाद इस पूरे हाईवे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाएगी और हाईवे ब्लॉक नहीं करने दिया जाएगा। 5 कंपनियां जयपुर से बुलाई गई है, 3 कंपनियां अजमेर से बुलाया गया है, और ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर इस तरह के घटनाक्रम में शामिल लोग पकड़े जाएंगे तो गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमा किया जाएगा। खुद जो है आईजी और एसपी सड़क पर गश्त कर रहे हैं, मगर ये स्थिति आप देख सकते हैं कि पुलिस को इस तरह से जब सड़क क्लियर करानी पड़े तो आप समझ सकते हैं ये इस हल को हटाया जा रहा है यहाँ से पुलिस वाले हटा रहे हैं। अभी फिलहाल यातायात कुछ समय के लिए इस सड़क पर रोक दिया गया है ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं वो घायल नहीं हो। जो आप पूछ रही हैं कि ये मामला क्लियर अप भी कर सकता है, बिल्कुल सवाई माधोपुर के इलाके में, थबड़ा के इलाके में और ये बूंदी के इलाके में सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि एहतियातन पूरे पुलिस फोर्स जो है वो हाईवे पर रहेंगे और किसी तरह के कहीं भी कोई जाम होगी तो सख्ती से निपटा जाएगा। हालांकि नरेश मीणा को अरेस्ट कर लिया गया है और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से अरेस्ट किया गया है, मगर अभी तक बहुत ज्यादा खबरें ऐसी नहीं आई है। अब हाईवे शुरू हो गया, जैसे
लोग आना जाना शुरू कर दिए हैं, पुलिस ने खोल दिया है। मगर ये स्थिति दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर सड़क पर माहौल बना हुआ है नरेश मीणा की गिरफ्तारी के लिए। ये समरावता के अलावा ये दूसरा जो इलाका था ये भी मांग कर रहा था कि हमें देवली से हटाकर उनियारा में शामिल किया जाए, और समरावता में शांति होते ही ये कचरावता है, ये कचरावता है, समरावता बगल में कचरावता गांव है, और गांव में ये घटना हुई है, ये जो इंसिडेंट हुआ है समरावता के ठीक बगल में कचरावता है। समरावता और कचरावता दोनों गांव के लोग वोट बायकॉट किए हुए थे और दोनों चाह रहे थे कि उन्हें उनियारा से हटाकर, देवली से हटाकर उनियारा में शामिल कर लिया जाए, जिसके बाद ये प्रदर्शन शुरू हुआ था। मगर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये जो माहौल बना हुआ है वो माहौल सरकार के लिए बड़ा सिरदर्दी भरा कदम हो सकता है। हालांकि हमारी सूचना यह है कि जल्दी ही राजस्थान सरकार के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रवाना हो गए हैं जयपुर से, और वो समरावता में किसी वक्त पहुंचेंगे। वहां पर आने के बाद लोगों से बातचीत करेंगे, और बातचीत के बाद जो भी ग्रीवांसेज है उसको एड्रेस करने की सरकार कोशिश करेगी। फिलहाल प्राथमिकता थी पुलिस प्रशासन की नरेश मीणा को अरेस्ट करना, और नरेश मीणा के अरेस्ट के बाद कोई माहौल नहीं बिगड़े इसे लेकर यहाँ पर कंट्रोल करने की पुलिस कोशिश कर रही है।